न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। सिकरीगंज थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या से क्षेत्र में मची सनसनी। SSP ने बताया आरोपी गिरफ्तार, होगी पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई। CRC और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में दिव्यांगों के समावेशन के प्रसार हेतु आयोजित हुई कार्यशाला, दिव्यांगों के पुनर्वास सहित अन्य बिंदुओं पर हुई चर्चा। मंडलुक ने कहा समाज के मुख्य धारा से जुड़ेंगे दिव्यांग, होगा उनका पुनर्वास। बाल रोग विशेषज्ञ व पूर्व MLC डॉक्टर YD सिंह का हृदय गति रुकने से हुई मौत, सदमे में पूरा परिवार। शुभ चिंतकों का लगा तांता, कहा अपूर्णीय क्षति है डॉक्टर सिंह का निधन। मंडलुक की अध्यक्षता में संपन्न हुई मंडल स्तरीय कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक, अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के दिए निर्देश। ब्रांडेड कंपनी का नकली एसेसरीज बेचते धराए दुकानदार, भारी मात्रा में एसेसरीज बरामद, 7 आरोपी गिरफ्तार। SP क्राइम, CO क्राइम व CO कोतवाली ने किया खुलासा। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई विकास कार्यों की मंडलीय समीक्षा बैठक, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, समयबद्धता एवं पारदर्शिता पर विशेष ध्यान देने के दिए निर्देश, कहा गड़बड़ी पाए जाने पर विभागीय कार्यवाही के साथ दर्ज होगा FIR। पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन ने 6 माह से 12 वर्ष तक के बच्चों का लालन पोषण हेतु एयर कंडीशनर, वात्सल्य शिशु सदन, क्रेंच का किया स्थापित। नौकरी पेशा करने वाली महिलाओं के बच्चों के देखभाल के लिए ये क्रेंच साबित हो रहा है काफी उपयोगी। लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी की हुई मासिक बैठक, लोकसभा चुनाव में मिली हार की हुई समीक्षा और 2022 के चुनाव के लिए कसी कमर। और योग शिविर के लिए तैयार हुआ गोरखनाथ मंदिर, 15 से 21 जून तक योग पर आयोजित होंगे विभिन्न कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे शामिल।